गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना साल वाल ओढ़ी हूँ। जी हाँ, हम लोगों की तरफ ना ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और आप लोग भी ठंडी से बचाव रखिए, क्योंकि ये जो शुरुआती ठंडी जो पड़ने लगती है ना, इसमें अपने आप का बहुत देखभाल करना होता है। और देखभाल करिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ठंडी का असर शरीर में होता ही है। तो हम लोगों की तरफ इधर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और तो 2-3 दिन से ना ठंडी बहुत अचानक से एकदम से बढ़ गई है। तो भैया, तो मैंने तो शाल वाल निकाल लिया है, क्योंकि मुझे ठंडी से ना बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि ठंडी में मुझे ना जकड़न होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं देखिए क्या बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हरी मिर्ची, तो ये हरी मिर्ची है पतली वाली और मोटी वाली नहीं है। तो इस मिर्ची का मैं बनाऊंगी अचार रोज़मर्रा के लिए, अभी ऐसे दाल के साथ। जैसे इस समय चना का साग आ रहा है, पालक बथुआ मेथी आ रहा, उसके साथ अगर मिर्ची का अचार आप बना लीजिए, खाइए ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और दाल के साथ तो ये बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है। कहते नहीं है क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है अगर अचार बना ले। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये मुश्किल से वही 5-6 दिन 1 हफ्ता चलता है। तो आप भी यदि बनाना चाहो तो मेरे इस मेथड से बना सकते हो। और हमारे इलाहाबाद में, मैं औरों का तो नहीं जानती, पर मेरी माँ इसका अचार बहुत अच्छा बनाती थी, और रोज़मर्रा के लिए 5-6 दिन 1 हफ्ता तो आराम से चल जाता है। तो चलिए ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो चलिए मैं बताती हूँ। इसमें कुछ भी तामा झामा नहीं है, बहुत ही सरल ढंग से बनता है, बहुत ही छोटी थोड़ी सी चीज़ों से बनता है। तो इस मिर्ची को मैंने क्या किया था, पहले धो लिया था, धो के इसके पानी सारे जब निथर गए थे, आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए सारा पानी निकल गया, एकदम सूखा है। इसको मैंने छोटे छोटे कैंची से कट कर लिया है, हाथ से नहीं कटा है, क्योंकि हाथ से काटने से हाथ बिल्कुल जहर जैसा तीता हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 पोटी लहसुन ले लिया है, ये देखिए। तो इस लहसुन को मैं कूचूंगी, पीसूंगी नहीं, कूचूंगी। तो चलिए इसको कूच लेते हैं। और ये ना मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी लगा करता है। मेरी मम्मी हमेशा जब ठंडी आती थी या गर्मी आती थी, तो हमेशा बना करके मिर्च वगैरह वैसे भी सब्जी के साथ आते था, तो मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, बना के एक डिब्बे मेरे ऐसे रख देती थी। तो हम लोगों की जब इच्छा होती थी, हम लोग निकाल निकाल दाल के साथ, रोटी के साथ बहुत खाते थे। आप एक बार बना के तो देखिएगा ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये वाला मिर्चा ज़्यादा दिन, वो आप भरुआ वाला बनाएंगे तो ज़्यादा दिन चलता है। इसको आप 1 हफ्ते, जैसे कोई आपका खाने का मन है तो आप इसको कतर लीजिए, कतर के आप बनाइए। कैसे बनाएंगे तो चलिए आप बने रहना मेरी वीडियो में, मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है, ये तैयार हो जाता है, इसमें बहुत कुछ नहीं लगा करता है। और जो ज़्यादा दिन चलता है ना, उसमें बहुत सामान लगता है, सौंफ पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, तो उसको भी हम बनाते हैं। पर ये हमसे अभी चलते फिरते वाले मिर्चे का अचार बना रहे हैं, और इतना टेस्टी लगता है ना कि हम क्या बताएं। कम ही बनाइए, 1 हफ्ते, मतलब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा बनाइए, कम बनाइए, और 1 हफ्ते चाहते चल जाए फिर बना लीजिए। अब तो मिर्चे का सीजन आ गया है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसको कूच लिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं, बारीक करेंगे, थोड़ा दरदरा रहेगा, ये देखिए पीस लिया है। तो इसको क्या करेंगे मैं आपको बताती जाती हूँ। तो ये जो मैंने मिर्चा काटा है ना, इसको इसमें ऐसे हम डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने डाल दिया इसमें पूरा, और इसमें हमारा मसाले के डिब्बे में सब कुछ मैं पीस के रखती हूँ। तो यहाँ पर है ये जीरा पाउडर, तो हम क्या करेंगे, इस जीरे को अपने हिसाब से आप डाल लीजिए, जितना आपका मिर्चा हो। तो मेरा इतना है, तो मैं यहाँ पे ये देखिए ये जीरा, हमारा जीरा डल गया, ठीक है। और ये है हल्दी, तो हम यहाँ पे हल्दी भी डाल देते हैं। ये देखिए हम आपको उठा के दिखाते हैं, हल्दी भी डाले दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए डाल दिया, और नमक, और ये है नमक। तो जितना आपका मिर्चा हो आप उसी हिसाब से आप नमक भी डालिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये हम नमक भी डालें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा टेस्ट डालिए, जो है अच्छा लगा करता है थोड़ा सा नमक, कम डालेंगे तो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमने नमक भी डाल दिया। देखिए कुछ ज़्यादा तामा जामा नहीं करना, बिल्कुल जल्दी से फल बन जाता है और इतना टेस्टी लगता है क्या बताएं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा तेल डालेंगे, देख इस तेल को डाल दिया,
अब इस तेल को क्या करेंगे, हाथ से मत मिलाइएगा, किसी करछुल ले लीजिएगा उसी से मिलाइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम ऐसे मिला देंगे। चलिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं मिर्चे को अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो भी मसाला है ना सब अच्छे से इस मिर्चे में मतलब लपट जाए जो है, और अच्छे से इसमें जो है अंदर अंदर की तरफ भी चला जाए। तो ये मिर्चे का अचार ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग चाहे दाल से खाइए, चाहे किसी भी साग की सब्जी से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार बना के तो देखना, और इसमें कोई भी तामा झामा नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं डाल रही हूँ, ये धनिया पाउडर है जो है, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और ये जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, बस इतना ही इसमें डाला जाता है। और थोड़ी सी चीज़ों में इतना टेस्टी बन के ये तैयार हो जाता है कि आपसे क्या बताएं। आप बनाओगे ना तो खुद ही महसूस करोगे कि कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, थोड़ा सा ही आप डालिए। और यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दिया है। तो आपका जिस हिसाब से मिर्चा हो आपको कतरन वाला, उसी हिसाब से आप सारे इसमें मसाले डालिए। और पता है ये मिर्चा ना मेरी माँ बहुत इतना अच्छा बनाती थी, और हम ये मतलब दाल के साथ, सब्जी के साथ, आप किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर ये देखिए अब मैं नमक डाल रही हूँ, तो नमक आप अपने अनुसार डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही रहे क्योंकि क्योंकि मसाले में ना थोड़ा सा गलता भी है नमक जो है। तो यहाँ पर बस मिक्स करके और बस ये रेडी हो गया है। और ये ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ़्ता आराम से चलता है। आप उतने ही बनाइए जितना एक हफ्ते में आपको ये यूज हो जाए, ख़राब ना हो। और इस मिर्चे को आप ना खाएंगे, इसका तीखापन भी निकल जाता है, इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि हम आपसे क्या बताएं। चलता फिरता मिर्चे का अचार है ये। ये मिर्चा बन के रेडी हो गया, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा ना, कितनी जल्दी बन के रेडी हो गया। और सच में आप बना के देखना, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा सरसों जो है पीस करके भून के भी आप डाल सकते हो, नहीं डालते तो कोई बात नहीं, ऐसे ही इतना टेस्टी लगता है, आप लोग बना के देखना। देखा हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, हमने केवल जीरा भून करके उसका पाउडर डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, थोड़े सा धनिया पाउडर डाला, तेल डाला और नमक डाल दिया और हल्दी डाल दिया, बस मिला दिया और लहसुन कूच के डाल दिया। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा बन के रेडी है। अब इसको मैं किसी डिब्बे में रख लूँगी और एक हफ्ता हमारा आराम से, एक हफ्ता क्या 7-8 दिन आराम से चल जाएगा। और दाल के साथ खाइए, दाल में मिक्स करके खाइए, और रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, कोई भी साग वाली सब्जी भी बनाइए, चना का साग जैसे आ रहा उसके साथ ये खाइए। सच में ना इतना टेस्टी लगता है कि सच में एक बार बना के ज़रूर देखना, चलता फिरता मिर्चा का अचार बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो हमारी ये मिर्चे का अचार कैसा लगा बनाने का ये तरीका, तो आप लोग प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और फुल वॉच करके वीडियो देखिएगा। तो चलिए ठीक है चला रहा ठीक है, रखते हैं, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे मिर्चे का अचार कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप भी बनाइएगा, बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। ये चलता फिरता मिर्चे का अचार 7-8 दिन आप बना के तो देखो, इतना टेस्टी लगेगा ना कि आपसे क्या बताएं।